एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन कुछ असली रेसिपीज। एक और अनोखा रेसिपी के साथ। अनोखा, आप देख सकते हो आज का जो मौसम है बहुत ही बादल से भरा हुआ है, बारिश हो रहा है दो दिन से कंटिन्यूअसली। घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी भी दिन का 11 बजा है लेकिन बादल भरा हुआ है, कम ज्यादा बारिश हो ही रहा है दो दिन से। तो आज का जो रेसिपी वो आना मुश्किल हो गया था, वो तो किस्मत अच्छा है कि पास वाला जो चिकन शॉप है उसका जो भैया है वो जानते थे हम उनको, तो उनको एक फोन करके रिक्वेस्ट किया तो वो घर पे आके देखे गए, ठीक है। तो आज संडे है तो चिकन बनाने का सोच रहा था, चिकन में कुछ अनोखा रेसिपी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू जो पास वाले शॉप के भैया है दे जाने के लिए, नहीं तो बाहर जाना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो चलिए एक मामूली रेसिपी को बनाते हैं अपने अनोखे स्टाइल में, अनोखा। और चैनल में आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस और बन जाइए पुराने मेंबर, और वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपको भी एग्जैक्ट रेसिपी बना के सबको खिलाना है, और वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं एक मामूली रेसिपी को, अनोखा रेसिपी। तो यहाँ पे चिकन लिया 500 ग्राम, और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया हमने, और सारे जो चीज़ ज़रूरत है ये रेसिपी बनाने के लिए तो सारे चीज़ टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, और जो वीडियो है वो बहुत ही क्लियर है। आप सब लोग बहुत समझदार हो, मुझे पता है आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से बना लोगे, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो को आखिर तक देखो, एक चीज़ बारीक बारीक चीज़ देखो ताकि आप एग्जैक्ट सेम रेसिपी बना पाओ। बाद में ऐसा मत बोलिएगा कि रेसिपी ठीक से बना नहीं है, ठीक है। तो फॉलो कीजिए, और बीच बीच में जो भी ज़रूरत पड़ेगा वो तो टिप्स देने के लिए मैं हूँ ही, मैं आता रहूँगा बीच बीच में। हेलो, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रेसिपी है उसका नाम आंध्रा चिकन फ्राई करी क्यों दिया है, ठीक है। आप वीडियो देखिए आखिर तक, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों इसका नाम फ्राई करी दिया है, होपफुली आ जाएगा, नहीं तो मैं हूँ ही आखिर में, मैं बताऊंगा इसको क्यों हमने आंध्रा चिकन फ्राई करी बोला है, ठीक है। तो कीजिए फॉलो अच्छे से और बताइएगा। हाँ, तो आप आ गया मैं,
तो आप लोग यही सोच रहे थे कि वीडियो तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन कुछ टिप्स भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो आ गया मैं टिप्स देने। तो यहाँ पे जो पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम गर्म पानी यूज़ करेंगे, ठंडा पानी नहीं करेंगे। तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो तो अगर पानी ग्रेवी के लिए यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसको कोशिश कीजिएगा कि गर्म पानी ही उसमें ऐड किया जाए, ठीक है। चलिए, मुझे पता है कि आपको, आप लोगों को उसको पता चल गया इसको क्यों हमने अंदरा चिकन फ्राई करी बोला है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप चिकन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई किया है, ऑलमोस्ट रोस्ट कर दिया है। पानी डालने से पहले तक इतना फ्राई नॉर्मली अंदरा चिकन में नहीं होता है, इसलिए हमने इसको अंदरा चिकन फ्राई करी बोला है, ठीक है। देखिए कितना लजीज है। Take a step back.